भारत के लिए चुनौती बनेंगे ये 10 खूंखार विदेशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। और आज इस वीडियो में हम आपको इन 10 विदेशी प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बताएंगे जो कि टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में बड़ी टेंशन खड़ी करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कारण भी बताएंगे कि आखिर क्यों ये 10 विदेशी प्लेयर्स इतने खूंखार होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 10 से। इस लिस्ट को दोस्तों हम नीचे से ऊपर, मतलब नंबर 10 से शुरू करेंगे और नंबर 1 तक लेकर जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। नंबर 10 पर दोस्तों हमने रखा है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। 3-4 ऐसे कारण हैं जो मोहम्मद रिजवान के पक्ष में चले जाते हैं इस साल के वर्ल्ड कप में। पहला रीजन यह है कि इनका फॉर्म बहुत अच्छा है। दूसरा रीजन यह है कि लगातार आईसीसी की रैंकिंग पर ऊपर बने हुए हैं, टॉप 5 में, टॉप 3 में बने हुए हैं। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है कंडीशन में इनका अडॉप्शन। यार देखो, ये बात कही जा रही थी कि इन्होंने आईपीएल खेला नहीं है तो हिंदुस्तान की कंडीशन से परिचित नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरी चीज भी माननी पड़ेगी कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें 4 देश आते हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन चारों देशों में जो क्रिकेट में प्लेइंग कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जिस तरह की पिच या कंडीशन मिलती है, लगभग वैसी ही कंडीशन मोहम्मद रिजवान को हिंदुस्तान में मिलेगी। वर्ल्ड कप इवेंट्स में ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान भारत के खिलाफ चलते हैं, तो कई सारी चीजें हैं जो मोहम्मद रिजवान के पक्ष में हवा चला रही है। एंड दैट्स व्हाई मोहम्मद रिजवान 10वें बड़े खिलाड़ी होंगे। हालांकि इंडिया ने भी तैयारी की है, भारत ने भी इनको टैकल करने की अच्छी खासी तैयारी की है, एशिया कप में भी हमने देख लिया था। लेकिन रिसेंटली जो वार्म अप मैचेस हुए ना, उसमें भी मोहम्मद रिजवान ने बता दिया कि कंडीशंस जो है, पिच की जो परिस्थिति है, वो इनके खिलाफ नहीं जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कई बड़े बड़े खिलाड़ियों से ज्यादा खतरनाक ये पिछले 2-3 साल में उभरा हुआ पाकिस्तान का मोहम्मद रिजवान रहने वाला है। बाकी आप बताओ दोस्तों, रिजवान से कैसे टैकल करेगी टीम इंडिया और भारत कैसे मारेगा रिजवान को, आप बताओ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 9 की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक एक अपडेट, तमाम खबरें, हर रिपोर्ट आपको पता है हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। तो देर मत करना, परिवार का हिस्सा बन जाओ, चैनल का हिस्सा बन जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। 9वें नंबर पर दोस्तों इस लिस्ट में हमने रखा है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को। यार देखो, ट्रेंट बोल्ट के पक्ष में कई सारी चीजें हैं जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के कारण हिंदुस्तान वालों ने, हमने इनको देकर रखी हुई है। पहली चीज ये, आईपीएल में बहुत खेले हैं तो भारत के खिलाड़ियों की कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज ये कि बेशक हिंदुस्तान में स्पिन विकेट मिलेगी, लेकिन हमने आईपीएल में देखा है कि ट्रेंट बोल्ट लगातार पर्पल कैप की दौड़ में लगभग हर साल के आईपीएल में दौड़े हैं। मतलब साफ है कि ये स्पिन विकेट्स में भी विकेट लेना तेज गेंदबाजी से जानते हैं, क्योंकि इनकी सीम और स्विंग मूवमेंट काफी बेहतर होती है। तो वो जो चीजें हैं वो कोई सी भी विकेट पर ये विकेट लाकर देंगे, इसलिए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक है। तीसरी बड़ी चीज दोस्तों जो ट्रेंट बोल्ट के पक्ष में हवा चलाती है, वो है भैया रिसेंटली इनका T20 एक्सपीरियंस। देखो यार, ये आईपीएल तो खेलते ही है, रिसेंटली ये न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए थे और दुनिया भर में इन्होंने T20 क्रिकेट खेला है। तो ना सिर्फ भारत, ये दुनिया के लगभग हर बड़े बल्लेबाज की कमजोरी को जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई भैया न्यूजीलैंड इनको शुरुआती ओवरों में भी इस्तेमाल करेगा, एंड वाले ओवरों में भी इस्तेमाल करेगा। पहले भी जितने वर्ल्ड कप हुए हैं 2015-16 के बाद से, आप उठाकर देख लीजिए, बोल्ट ने हर वर्ल्ड कप में आउट परफॉर्म किया है। एंड दैट्स व्हाई 9वें नंबर पर हमने रखा है। यार देखो, इस लिस्ट में थोड़े से ऊपर हो सकते थे ट्रेंट बोल्ट, आंकड़े इनके अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि स्पिन विकेट्स है और बल्लेबाजी विकेट्स ज्यादा है, स्पिन विकेट्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैंने बोल्ट को नंबर 9 पर रखा है। आप कौन सी पोजीशन पर रखोगे इस खूंखार विदेशी प्लेयर्स की लिस्ट में बोल्ट को, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्रेंट बोल्ट के बाद हम नंबर 8 पर हमने इस लिस्ट में रखा है अफगानिस्तान के राशिद खान को। राशिद खान के पक्ष में भी कई हवाएं चल रही हैं और भारत को इससे भी निपटना पड़ेगा। वैसे तो पूरी अफगानिस्तान की जो प्लेइंग 11 या टीम रहेगी, इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हमने इंडियन प्रीमियर लीग में उसका खूब ट्रेलर देख लिया है, वो है राशिद कमाल खान। ये एक तरह से कमाल धमाल खान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। स्पिन विकेट से बहुत फायदा मिलने वाला राशिद खान को, हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने का बहुत अनुभव है राशिद खान को, इंडियन प्लेयर्स की कमजोरी जानते हैं। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आप आईपीएल के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जितने भी टॉप इंडियन प्लेयर्स हैं ना, राशिद खान के आगे सबका एवरेज, सबका स्ट्राइक रेट धरा का धरा रह जाता है। तो ये चीज राशिद खान को एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। हालांकि दोस्तों आईपीएल में क्या होता था ना, राशिद खान को सपोर्ट करने के लिए 2-3 अच्छे गेंदबाज और होते थे हर टीम में, दैट्स व्हाई राशिद खान और ज्यादा
ज्यादा इफेक्टिव हो जाते थे। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के पास क्या वो ताकत है, क्या मुजीब साथ दे पाएंगे, क्या नूर अहमद साथ दे पाएंगे, क्या नवीन उल हक वो रोल निभा पाएंगे, ये देखना होगा। नंबर 8 पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि अकेले हैं राशिद खान अफगानिस्तान की टीम में, वन मैन आर्मी बनकर आएंगे, इसलिए थोड़ी सी उनकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। बाकी स्पिन विकेटर बड़े खतरनाक ये रहेंगे। आप किस पोजीशन पर राशिद खान को रखोगे कमेंट बॉक्स में बताओ, और राशिद कमाल खान के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नीचे से ऊपर जा रहा है नंबर 7 पर, अब हमने रख दिया न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को। यार देखो कॉनवे के पक्ष में भी बहुत सारी चीजें हैं और इंडिया को उससे भी संभलने की जरूरत है। हमने आईपीएल में देखा कॉनवे ने हर एक इंडियन बॉलर को पीटा है, तो वो चीज बताती है कि जो ब्रेंडन मैकलम की जो जगह थी वो कॉनवे अच्छे से लेते हुए नजर आए थे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी और न्यूजीलैंड की टीम में भी, और वो चीज हमें वर्ल्ड कप में भी दिखने वाली है। तो इंडियन गेंदबाजों के आगे, स्पिन के आगे कॉनवे झुकते नहीं है, इसीलिए वन ऑफ द टॉप ओपनर में से एक है इस साल के वर्ल्ड कप में, क्योंकि हिंदुस्तान की कंडीशन में आकर प्रदर्शन कर चुके हैं। तो एक जो स्टैंप लगा हुआ था मोस्टली गोरे खिलाड़ियों पर लगता है कि यार ये स्पिन के खिलाफ नहीं चलेंगे, वो कॉनवे के ऊपर से हट चुका है। तो इनके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाकर टीम इंडिया नहीं हर टीम को उतरना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो फिर भी टैकल कर लेगी यार स्पिन विकेट है, लेकिन आप खुद ही सोचो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, नेदरलैंड की टीम है, कॉनवे रुकने नहीं वाले इनसे। एंड दैट्स व्हाई भैया मैंने नंबर 7 पर कॉनवे को रखा है। ओडीआई क्रिकेट ज्यादा पुराना, इन्होंने खेलना शुरू नहीं किया, रिकॉर्ड अच्छे है। बाकी कॉनवे के लिए लाइक जरूर बनता है। आपके हिसाब से कॉनवे किस पोजीशन पर रहेंगे, रहेंगे भी या नहीं रहेंगे इस लिस्ट में 10 खूंखार विदेशियों की, कॉमेंट बॉक्स नीचे है लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। पूरी लिस्ट में हमने रखा है साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन को। क्यों रखा है कारण बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, वर्ल्ड कप की एक एक अपडेट पिन पिन बराबर की खबरें यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर डाल देते हैं, पर्दे के पीछे की हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जो चीजें हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते सेंसरशिप के कारण वो टेलीग्राम पर डाल देते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाइए। 50,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, फ्री में फटाफट ज्वाइन कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्लासन की। तो क्लासन के साथ कई सारी चीजें, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा, ओडीआई क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये बंदा फोड़ रहा है, तो वो चीज क्लासन के साथ है ही है, और वो वर्ल्ड कप में भी आने से पहले उन्होंने कर दिखाया, तो रीसेंट फॉर्म तो बहुत तगड़ा है। दूसरी बड़ी चीज है हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे रिसेंटली आईपीएल 2-3 महीने पहले जो हुआ, और भारत में आकर स्पिन विकेट्स पर, स्पिन होती है भारत में, हमने आईपीएल में भी देखा, वहां पर इनका प्रदर्शन बताता है कि ये स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं। मैंने इस लिस्ट में दोस्तों बड़े नामों को तरजीह नहीं दी है, मैंने इस लिस्ट में उन खिलाड़ियों को लिखा है जिनके पक्ष में हवा चल रही है, जिनके पक्ष में कंडीशन है, फॉर्म है, क्लास है, और वो चीज क्लासन के पास है। साउथ अफ्रीका के कई पूर्व प्लेयर बोल चुके हैं कि क्लासन तुरुप का इक्का बनेंगे साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, जिस तरह से हैदराबाद को कई मैचों से निकाला था एसआरएच की टीम को, वो चीज क्लासन साउथ अफ्रीका के लिए करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट फॉर्म, भारत में अच्छा प्रदर्शन, इन्हें खतरनाक बनाता है। बाकी आप बताओ इंडिया कैसे टैकल करेगी क्लासन को, और क्लासन के लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि विदेशी प्लेयर्स ही तो है भाई जो कि फ्लेवर डाल रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में और हर जगह पर। चलिए दोस्तों क्लासन के लिए लाइक कर दिया हो तो नंबर 5, टॉप 5 की शुरुआत हो गई। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो नंबर 5 पर हमने रखा है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। ऑलराउंडर की हैसियत से आ रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल रहता है, और रिसेंटली हमने देखा है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट से बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा दूर हो गए थे, टेस्ट कैप्टन बने थे जब से इंग्लैंड ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी बोल दिया था कि अब आप टेस्ट पर ध्यान दीजिए, तो वो चीज थोड़ा सा कमजोर करती है स्टोक्स को, दैट्स व्हाई नंबर 5 पर। बट फिर भी चाहे बल्ला हो, चाहे गेंद हो, चाहे दुनिया की कोई सी पिच हो, इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन कर दिखाया है जिस पोजीशन पर बेन स्टोक्स उतरते हैं, और हिंदुस्तान की विकेट्स पर वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पिन के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं बेन स्टोक्स, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक ऐसा फ्लेक्सिबल खिलाड़ी मिल रहा है जो विकेट भी लेकर देगा, पूरे 10 ओवर भी डाल कर देगा अच्छे से तगड़े तरीके से, और बल्लेबाजी भी उसी तरह से कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर है। और इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड इनका ना बहुत अच्छा बहुत बुरा है, लेकिन आईपीएल खेलने का अच्छा अनुभव इनके पास है, तो कई ऐसे देश में स्टोक्स जाते हैं जहां पर वो कभी खेले नहीं और शतक मारकर आते हैं, विकेट निकाल कर आते हैं, इंडिया में तो खेले हुए हैं स्टोक्स, तो स्टोक्स को वो सारे फायदे मिलने वाले हैं, दैट्स व्हाई नंबर 5 पर हमने रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, नंबर 1 की स्थिति में नहीं
आएंगे बट इफेक्टिव होंगे। बाकी आप बताओ स्टोक्स को आप किस पोजीशन पर रखोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और स्टोक्स साहब के लिए लाइक तो बनता है यार। चलिए दोस्तों टॉप फोर की अब शुरुआत हो गई है। नंबर चार पर हमने रखा है बाबर आजम को। पाकिस्तान के बाबर आजम के पक्ष में भी बहुत हवाएं चल रही है। देखो कंडीशंस जैसा मैंने बताया, जैसा मोहम्मद रिजवान के केस में हुआ था, सारा कुछ बाबर आजम के पक्ष में भी रहेगा। पाकिस्तान की कंडीशंस में खूब क्रिकेट खेला है बाबर आजम को, तो हिंदुस्तान में ढलने में बहुत ज्यादा इनको ज्यादा कहना ना टेंशन नहीं होने वाली। दूसरी बड़ी चीज जो बाबर आजम के पक्ष में चली जाती है वो है स्पिन के खिलाड़ी। यार बाबर आजम स्पिन के बड़ा तगड़े खिलाड़ी है, तो इंडिया तो ठीक है जितनी टीम है मतलब वर्ल्ड कप में खेले आ रही है सबको पीटने की ताकत रखते हैं। गौतम गंभीर ने रिसेंटली प्रेडिक्शन की है कि 4 शतक मिनिमम लगाएगा बाबर आजम। तो बाबर आजम अगर 4 शतक लगाएंगे तो सीधी बात है पाकिस्तान की टीम को आप टॉप 4 में देखेंगे। अगर गंभीर की प्रेडिक्शन सही हुई और जिस तरह की प्रेडिक्शन सब कुछ सही हो रही है तो बाबर आजम इस वर्ल्ड कप के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक रहेंगे। बेशक इंडियन बल्लेबाज रूल करेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडियन बल्लेबाज के अलावा अगर कोई बैट्समैन है जिसका नाम लिया जा सकता है कंडीशन फॉर्म आईसीसी रैंकिंग क्लास स्पिन विकेट सबको देखते हुए तो वो है बाबर आजम। और इनके लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि जो पाकिस्तान टीम है ना पूरी बैंड हुई पड़ी है, मतलब पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, लेकिन एक दो खिलाड़ी हैं जिनके दम पर पाकिस्तान सांस लेगी और उस खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी बाबर आजम है। अदरवाइज पाकिस्तान तो भाई नेदरलैंड से हार जाए ऐसी स्थिति में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। लेकिन नंबर 3 पर हमने रखा है ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को। यार देखो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल बहुत सारे लोग सोचेंगे नंबर 3 पर क्या सही पोजीशन है, लेकिन बहुत सारी हवाएं इनके पक्ष में भी चल रही है। पहली बड़ी चीज हमने रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लास्ट ओडीआई मैच में देख लिया कि किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था हिंदुस्तान में और उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वो युवराज सिंह थे, जिन्होंने कुछ वैसा ही रोल निभाया था जिस तरह के फॉर्म में अभी ग्लेन मैक्सवेल दिख रहे हैं। आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो विकेट लेकर दे, स्पिन विकेट पर बहुत फायदा मिलेगा ग्लेन मैक्सवेल को, हमने देख लिया। साथ ही आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि आप नंबर 5 पर उतर कर भी शतक मारने की स्थिति में रहे, और वो दोनों चीजें ग्लेन मैक्सवेल के साथ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैंने बैन स्टोक्स को नंबर 5 पर रख दिया है, ग्लेन मैक्सवेल को नंबर 3 पर रख दिया, लेकिन आप खुद ही सोचिए दोस्तों बैन स्टोक्स के पास वो सारी प्रायोरिटीज नहीं है। बेशक वो अच्छे ऑलराउंडर होंगे मैक्सवेल से, लेकिन कंडीशंस हो, बैन स्टोक तेज गेंदबाज मीडियम पेसर है, ग्लेन मैक्सवेल स्पिन का रोल निभाते हैं, स्पिनर का रोल निभाते हैं, तो वो चीजें ग्लेन मैक्सवेल के पक्ष में जाएगी। मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने की ताकत रखता है भाई ग्लेन मैक्सवेल। और एक अच्छी चीज आपको बता दूं दोस्तों, बेन स्टोक्स ने तो अभी अभी आईपीएल में ज्यादा खेला नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल पिछले 8-9 सालों से लगातार आईपीएल खेल रहा है, तो हिंदुस्तान की कंडीशंस को बहुत अच्छे से मैक्सी जानता है। दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया को 2-3 प्लेयर्स बड़े खतरनाक बनाते हैं और उसमें से एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल है। इनके लिए लाइक जरूर बनता है, ये बड़ा फ्लेवर डालते हैं भैया वर्ल्ड क्रिकेट में, लाइक जरूर कर देना। और आप बताना भारत किस तरह से टैकल करेगी मैक्सी के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टॉप 2 की। तो नंबर 2 पर हमने रखा है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को। बहुत बहुत खतरनाक बल्लेबाज साबित होने वाला है डेविड वार्नर। ये दोस्तों इनका रिकॉर्ड बताता है, जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं डेविड वार्नर चलते हैं। हिंदुस्तान में आकर पिछले 10-12 सालों से प्रॉपर आईपीएल खेल रहा है, इसको इंडियन पिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। इनके साथ एक खासियत है इनकी, ये कोई से भी गियर में खेल सकते हैं। आप 1 नंबर लगाओ 2 नंबर लगाओ 3 नंबर लगाओ 6 नंबर लगाओ किसी भी नंबर पर वार्नर खेल सकता है। मेरे हिसाब से मैं इनके बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि इस वर्ल्ड कप का अगर कोई विदेशी बल्लेबाज टॉप 2 टॉप 3 में अगर आप देखेंगे तो वार्नर से बेहतर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आखिरी वर्ल्ड कप भी है, जाहिर है, तो वो सारा फैक्टर रहेगा। वार्नर के लिए लाइक जरूर बनता है क्योंकि इनका नाम ही काफी है भाई। चलिए दोस्तों नंबर 1 पर जो सबसे खूंखार विदेशी रहेगा जो इस वर्ल्ड कप में 4-5 शतक लगाने की काबिलियत रखता है, बहुत सारे लोग बाबर आजम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के भी कई प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, बहुत वार्नर भी बोलेंगे, लेकिन नाम है भैया जॉस बटलर। यार देखो जॉस बटलर बेशक इस समय इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतर रहा है, लेकिन कई सारी कंडीशंस इनके पक्ष में भी है। इंडियन प्रीमियर लीग का तगड़ा अनुभव, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, भारत की पिचों पर यह आदमी शतक लगाने के लिए जाना जाता है, स्पिन इसको कुछ नहीं कर पाती और
और ये धुरी बनेंगे इंग्लैंड की टीम की। इंग्लैंड को दावेदार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड के पास बटलर है, इंग्लैंड के पास स्टोक्स है। ऑस्ट्रेलिया को दावेदार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इनके पास वार्नर है और मैक्सी है, एंड दैट्स व्हाई भैया बटलर से बच के रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर बटलर चलने लगा ना, हमने आईपीएल में देख लिया है, बड़े से बड़ा इंडियन बॉलर आ जाए बटलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े से बड़ा विदेशी आ जाए बटलर को फर्क नहीं पड़ता, तो बटलर एक बड़ी टेंशन बड़ी चुनौती भारत के लिए बनेंगे। तो भैया ये थे 10 प्लेयर्स हमारे हिसाब से जो कि बड़े खूंखार विदेशी प्लेयर साबित होंगे इस साल के वर्ल्ड कप में। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मिचेल स्टार्क का नाम नहीं रखा हमने, लेकिन मिचेल स्टार्क का रीसेंट फॉर्म भी देख लो। दूसरी बड़ी चीज है, मिचेल स्टार्क का हिंदुस्तान की पिचों पर खेलने का उतना अनुभव नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस अभी भी क्वेश्चन मार्क के अंडर में रहेगी, तो हमने नहीं रखा है। आप अपनी 10 प्लेयर्स की लिस्ट बता दो ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, फटाफट बताओ आपके 10 कुकार विदेशी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर वर्ल्ड कप टीम इंडिया फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर, और सब्सक्राइब का बटन नीचे से दबाकर बेल आइकन दबाओ।